फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एचपीजी के विद अनु में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश पार्ट 3, जिसमें हम हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश के वन लाइनर क्वेश्चन आंसर एंड एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि किस नदी के तट पर सिकंदर ने 12 स्तूपों का निर्माण करवाया जो उसके भारत अभियान की गवाही दे रहे हैं। जब सिकंदर भारत आया था तो उसने किस नदी के किनारे 12 स्तूपों का निर्माण करवाया जो उसके भारत अभियान की गवाही दे रहे हैं। तो वो कौन सी नदी है? ब्यास, जो जिस ब्यास है उस नदी का नाम, और ब्यास नदी को जो सिकंदर है उसने क्या नाम दिया था? हाई पेसिस कहा जाता था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। उस सेनापति का नाम क्या था जिसने सिकंदर को भारत विजय के लिए आगे न बढ़ने के लिए मना किया था? तो किसने मना किया था सिकंदर को भारत में आगे बढ़ने के लिए? तो उसका नाम था कोइनोस। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अशोक ने हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर कुछ स्तूपों का निर्माण करवाया था? तो वो है कुल्लू की वादी। अशोक ने हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर कुछ स्तूपों का निर्माण करवाया था? तो वो है कुल्लू की वादी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत आक्रमण के बीच में सिकंदर को ब्यास नदी पार किए बिना स्वदेश लौटने के लिए कौन सा कारण जिम्मेदार था? तो ब्यास नदी के, आपको जैसे पता होगा कि जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था तो उसने क्या किया था? उसने किया था कि ब्यास नदी के पार नहीं किया था उसने ब्यास नदी को, और वहाँ से वो अपने देश वापस चला गया था। तो कहा जाता है कि उसे ऐसा करने के लिए ज्योतिषों द्वारा मना किया गया था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अशोक ने हिमाचल प्रदेश में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किस भिक्षु को भेजा था? तो उसका नाम है मजीजम। अशोक ने हिमाचल प्रदेश में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किस भिक्षु को भेजा था? तो उनका नाम है मजीजम। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सिकंदर ने भारत विजय के अंतिम बिंदु की पहचान के लिए क्या किया? सिकंदर ने भारत विजय के अंतिम बिंदु की पहचान के लिए क्या किया था? तो उसने 50 क्यूबिक ऊंचाई की वर्गाकार पत्थरों की 12 बेदियां ब्यास नदी के ऊपरी तट पर बनवाई। तो सिकंदर ने भारत विजय के अंतिम बिंदु की पहचान के लिए क्या किया था? सबसे पहले उसने 50 जो क्यूबिक ऊंचाई पर वर्गाकार पत्थरों की 12 बेदियां ब्यास नदी के ऊपरी तट पर बनवाई, और उसके बाद वो ब्यास नदी से आगे नहीं बढ़ा क्योंकि ऐसा करने के लिए उसके ज्योतिषों ने उसको मना किया था। बात करते हैं अब एमसीक्यूज की। एमसीक्यू में जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि अपने प्राचीनतम ढांचे के लिए प्रसिद्ध गांव जिसका नाम सिकंदर महान से जोड़ा जाता है और आज भी वहाँ पर उनके रीति रिवाज तथा सांस्कृतिक जो विरासत है काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित है, और वहाँ पे उनका अपना एक लोकतंत्र है, तो वो कौन सा गांव है? तो उसका नाम है मलाणा। अपने प्राचीनतम ढांचे के लिए प्रसिद्ध गांव जिसका नाम सिकंदर महान से जोड़ा जाता है, तो मलाणा। एक कहीं ऐसा भी कहा जाता है कि जो मलाणा के निवासी हैं वो अपने आप को सिकंदर से जोड़ते हैं, और ऐसे कहते हैं कि सिकंदर के कुछ सैनिक यहाँ आके बस गए थे और बाद में उन्होंने यहाँ की स्त्रियों से विवाह कर लिया था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन है, अपनी भारत विजय के बीच में ब्यास नदी से आगे न बढ़ने के लिए सिकंदर के निर्णय का मुख्य कारण क्या था? तो आपको ये पता ही है कि अपने जो उनके ज्योतिष थे, भविष्यवक्ता थे, उन्होंने उन्हें ऐसी सलाह दी थी कि वो ब्यास नदी से आगे ना बढ़े। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, सिकंदर ने किस वर्ष ब्यास नदी के तट पर कदम रखा था? तो 326 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, अशोक द्वारा हिमाचल प्रदेश को पौंटा घाटी में निर्मित एक स्तूप को एक मुसलमान शासक ने दिल्ली में कहाँ स्थानांतरित किया? तो एक बार रिपीट करती हूँ मैं क्वेश्चन। अशोक द्वारा हिमाचल प्रदेश की पौंटा घाटी में निर्मित एक स्तूप को एक मुसलमान शासक ने दिल्ली में कहाँ स्थानांतरण किया? तो फिरोशा कोटला। अशोक ने एक पौंटा जो घाटी है
सिरमौर में वहाँ एक स्तूप बनाया था, लेकिन एक मुस्लिम शासक ने इसे दिल्ली में स्थानांतरित कर लिया था। और कौन सी प्लेस में? फिरोजशाह कोटला में। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चंस में हम बात करते हैं क्वेश्चन की, तो समुद्रगुप्त ने किस शताब्दी में हिमाचल प्रदेश के नवगठित राज्य को अपने अधीन किया था? आंसर है चौथी शताब्दी। समुद्रगुप्त ने किस शताब्दी में हिमाचल प्रदेश के नवगठित राज्य को अपने अधीन किया था, या फिर समुद्रगुप्त ने हिमाचल पर कब आक्रमण किया था? तो उसका सही आंसर है चौथी शताब्दी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। समुद्रगुप्त ने किस वर्ष हिमाचल प्रदेश के स्थानीय शासकों को अपनी प्रभुसत्ता स्वीकार करने के लिए चुनौती भेजी थी? तो 340 ईस्वी पूर्व। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस गुप्त सम्राट ने हिमाचल प्रदेश के राजाओं को अपना प्रभुत्व स्वीकार करने अथवा लड़ने की चुनौती दी थी? तो इसका सही आंसर है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ही ऐसा गुप्त राजा था जिसने हिमाचल प्रदेश के राजाओं को अपनी प्रभुसत्ता स्वीकार करने तथा लड़ने की चुनौती दी थी। सबसे पहले तो इस चौथी शताब्दी में हिमाचल प्रदेश के नवगठित राज्य को अपने अधीन करना शुरू कर दिया था, और अगर एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 340 ईस्वी पूर्व। और किस गुप्त सम्राट ने हिमाचल प्रदेश के राजाओं को अपना प्रभुसत्व स्वीकार करने अथवा लड़ने की चुनौती दी थी? तो क्या होगा इसका आंसर? समुद्रगुप्त। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में एमसीक्यू है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में 1 लाइन क्वेश्चन है 3। और इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि चीनी यात्री हिंसांग के अनुसार सन 500 में कुल्लू पर किसका शासन था? तो बिहंगम मणिपाल का शासक था, और चीनी यात्री हिंसांग के अनुसार ही बिहंगम मणिपाल ने ही कुल्लू जो राज्य था उसकी नींव रख ली। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन थी। फरिश्ता के अनुसार कन्नौज के किस राजा द्वारा नगरकोट के राजा को पराजित करने के लिए कहा जाता है? तो उसका आंसर है हर्षवर्धन। फरिश्ता एक बुक है के अनुसार कन्नौज के किस राजा द्वारा, तो कन्नौज का वो कौन सा राजा था जिसने नगरकोट जो कांगड़ा में है प्रेजेंटली टाइम में, के राजा को पराजित करने के लिए कहा था? तो हर्षवर्धन। तो कन्नौज का कौन सा राजा था जिसने नगरकोट के राजा को पराजित किया था? तो उसका नाम है हर्षवर्धन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 500 ईस्वी में किस हूण शासक ने हिमाचल प्रदेश सहित भारत में जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया था? तो 500 ईस्वी में उस हूण शासक का नाम है तोरमान। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन में है एमसीक्यू। एमसीक्यू में पहला जो क्वेश्चन है, हिंसांग ने भारत की यात्रा किस वर्ष की थी? तो 627 ईस्वी में। तो हिंसांग ने कितने में भारत की यात्रा की थी? तो 629 ईस्वी में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सन 480 से 490 में गुप्त साम्राज्य के विघटन के पश्चात निम्नलिखित में से किसने अपने को एक शक्तिशाली शासक के रूप में स्थापित किया था? जब गुप्त शासन समाप्त हो गया था, ऑब्वियसली उसके बाद हूण आए थे, तो हूणों में जो था एक शक्तिशाली शासक के रूप में कौन आया था? तो उसका नाम है तोरमान। तोरमान कौन था? तो 5वीं शताब्दी का एक हूण आक्रमणकारी वह शासक था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अपने वर्णन में किसने त्रिगत को पूर्व से पश्चिम 267 मील लंबा तथा उत्तर से दक्षिण 213 मील चौड़ा राज्य बताया है? त्रिगत आपको पता है कांगड़ा, जिसमें नूरपुर और जलंधर थे त्रिगत में, और ये सबसे प्राचीनतम रियासत भी मानी जाती है। तो किसने कहा था कि पूर्व से पश्चिम 267 मील लंबी और उत्तर से दक्षिण 213 मील चौड़ी है? तो उसका नाम है हेनसांग। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस थे जिसमें हमने वन लाइनर एंड एमसीक्यूज को डिस्कस किया। ये था एचपी जीके हिस्ट्री पार्ट 4, जो आपके ऑल एचपी आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है,
तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी वीडियो बना सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।